हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी लव्स फैशन। तो गाइस, आज के वीडियो में कोई क्लोथिंग नहीं होने वाली है, और आज का वीडियो होने वाला है अमेज़ॉन हॉल, जिसमें मैंने बहुत ढेर सारे लिपस्टिक परचेज करे हैं। बेसिकली मेरा लिपस्टिक कलेक्शन होने वाला है, और ये रिसेंटली मैंने परचेज किया है। ये सारे लिपस्टिक शेड्स आपको बहुत पसंद आएंगे, इनका आज मैं आपके साथ हॉल शेयर करूँगी, और ये एक लिपस्टिक हॉल होने वाला है, यू विल लव इट ऑल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह की लिपस्टिक हमें मिलने वाली है। फर्स्ट लिपस्टिक है गाइस, ये माई ग्लैम ब्रांड की मिनी लिपस्टिक किट। ये एक बुलेट लिपस्टिक किट है, जिसकी पैकेजिंग मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। लुक एट दिस। और इसके अंदर जो हमें लिपस्टिक मिलती है वो मिलती है कुछ इस टाइप में। छोटी छोटी हमें लिपस्टिक मिल रही हैं, लेट मी शो यू। कुछ इस तरीके की हमें छोटी छोटी मिनी सी लिपस्टिक मिल रही हैं। लुक एट दिस क्यूट क्यूट लिपस्टिक्स गिर जा रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, आपके बैग वगैरह में इजीली एडजस्ट हो जाती है, बहुत छोटी सी होती हैं। ये सारी जो हैं, ये जितनी भी लिपस्टिक हैं, ये सारी मैंने जो परचेज़ करी है अमेज़ॉन से परचेज़ करी है, और ये बुलेट लिपस्टिक हैं, और कैरी करने बहुत ईजी हैं, आप ईजी से अप्लाई कर सकते हो। ये है एक न्यूड शेड, लुक एट दिस, आपको ये न्यूड शेड दिख रहा होगा, इसको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। लुक एट दिस, ये इसका शेड आ रहा है, एंड रियली ऑसम न्यूड शेड। एंड हाँ, ये थोड़ी सी ट्रांसफ़र भी होती है, ऐसी नहीं है कि ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है, थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र होती है ये, और बहुत ज़्यादा देर लॉन्ग लास्टिंग वाली हिसाब नहीं है इसका, कुछ देर रहेगी, ऐसा नहीं है सुबह से लेकर रात तक नहीं रहने वाली, आपको इसे टचअप करना पड़ेगा। एंड हाँ, बट काफ़ी देर टिक जाती है, बुलेट लिपस्टिक को टचअप देना ही पड़ता है। एंड नेक्स्ट जो है, ये भी थोड़ा सा न्यूड शेड्स ही है, देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये इसका कलर जो है, ये थोड़ा सा डार्क है प्रीवियस वाले से, ये थोड़ा सा पिंकिश टोन है। लुक एट दिस, ये सेकेंड वाला कलर इसका है, एंड कुछ इस तरीके की ये लिपस्टिक मिलने वाली है हमें। एंड नेक्स्ट वन है एक और बहुत क्यूट सी, ये भी एकदम न्यूड सा शेड है। मैंने सारे न्यूड शेड्स ही मंगाए हैं इस बार, और क्योंकि मेरे पास ब्राइट शेड्स भी काफ़ी थे, तो न्यूड शेड्स ये बुलेट वाली मंगाई मैंने, देख सकते कुछ इस तरीके का कलर है। कलर इज़ रियली ऑसम। और सबसे अच्छी बात इसकी तो ये है कि ये तीनों लिपस्टिक जो मुझे मिल रही हैं 226 रुपए में मिल रही हैं। डेफिनेटली गाइस, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। मुझे माई ग्लैम ब्रांड की लिपस्टिक काफ़ी अच्छी लगी है। अभी मैं आपको लिक्विड लिपस्टिक भी दिखाने वाली हूँ, इनकी लिक्विड लिपस्टिक भी मैंने बाय करी है, उनके रिजल्ट इन बुलेट लिपस्टिक से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दे आर लॉन्ग लास्टिंग एंड नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक, तो लेट मी शो यू। लिक्विड लिपस्टिक इनकी कुछ इस तरीके से पैकेजिंग में आई है, लेट मी शो यू कौन कौन से कलर्स मैंने बाय किए हैं। सबसे पहला जो शेड है वो है कफिंग शेड, और ये कुछ इस टाइप का शेड है, और रियली ऑसम, एकदम ब्राइट पिंक कलर है। लेट मी शो यू किस टाइप का कलर है ये। ओ माय गॉड, वन स्वैच में ही ये बहुत अच्छा अप्लाई हो रहा है, वन स्ट्रोक में इतना अच्छा अप्लाई हुआ है, ये देख सकते हो ये कलर है इसका, एंड रियली ऑसम। इसकी मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ लिक्विड लिपस्टिक, एंड लिक्विड लिपस्टिक की जो स्टे है वो काफ़ी समय तक हमें मिलता है, और मतलब मुझे अच्छी लगी, और हमें बहुत सस्ती भी पड़ जाती है ये। और ये जो शेड मुझे मिला है, ये मिला है 296 रुपीज़ का। इसमें सबके रेट्स जो है वो लिटिल लिटिल डिफरेंट है। लिक्विड लिपस्टिक में जो हमें मटेरियल मिलता है वो मिलता है 4.54 ग्राम्स, एंड इसका जो ये शेड है, ये शेड है इसका डी टी आर शेड नंबर है, शेड नेम है इसका, और कुछ इस तरीके की लिपस्टिक हमें मिल रही है, एकदम बढ़िया सी बेबी पिंक कलर की ये लिपस्टिक मिल रही है, देख सकते हो आप, दिस इज़ ऑल्सो सो क्यूट। आप डेफिनेटली इस तरीके के शेड्स ट्राई कर सकते हो, ये शेड्स गोरे लोगों पे और डस्की लोगों पे दोनों पे काफ़ी अच्छी लगती है। और ये जो मिली है वो मुझे मिली है 255 रुपए की। और नेक्स्ट जो है, ये है FBO, इसका शेड का नाम है FBO, और ये मिली है मुझे 256 रुपीज़ की, और इसका जो शेड है वो है कुछ थोड़ा सा और लाइट, इससे और लाइट है। लुक एट दिस, ये गोरे लोगों पे बहुत बहुत अच्छी लगती है ये कलर। मैं थोड़ा सा मिक्स करके लगाऊंगी, मैं इतना ज़्यादा ब्राइट शेड नहीं लगाती, बट इसको मिक्स करके मैं लगाऊंगी, और ये गोरे लोगों पे सच में बहुत अच्छी लगती है। यदि आप ज़्यादा फेयर हो तो डेफिनेटली ये शेड ट्राई कर सकते हो, मुझे ये शेड काफ़ी अच्छा लगा। देन आफ्टर, अब बात कर लेते हैं गाइस कुछ
बेलोरा कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक की जो मैंने बाय करी है अमेजोन से, इसमें से ये दोनों ही लिक्विड लिपस्टिक है, बट इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है और उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। ये जो मिली है मुझे दोनों ही 449 रुपीस की मिली है, थोड़ी सी कॉस्टली है कंपैरिजन टू माई ग्लैम, बट इनका रिजल्ट भी महंगा है इनका। लाइक यदि मैं इनको अप्लाई कर लेती हूँ तो मुझे इसे टचअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे मैं कुछ भी खाना खा लूँ, कुछ भी कर लूँ, मुझे इसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। पानी वगैरह पीने से तो ये बिल्कुल भी गायब नहीं होती है, ऑयली फूड खाते हो तो भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, जब आप प्रॉपर ऑयल से इसे रिमूव करोगे तो ही ये रिमूव होती है। एंड आई रियली लाइक द टेक्सचर, और इसका ब्रश भी काफ़ी अच्छा है, और ये है इसका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट शेड, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी काफ़ी अच्छा है। लुक एट दिस, दिस ब्यूटिफुल कलर, एंड डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसका जो कलर शेड नंबर है 03 और जो नेम है वो है रेड हॉट, एंड इसमें बेलोरा कॉस्मेटिक्स में ही मुझे ये एक न्यूड शेड मिला। ये न्यूड शेड बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है, मतलब एकदम ब्राउन शेड है। लुक एट दिस, एकदम ब्राउन शेड आपको इसमें मिल रहा है, ये देख सकते हो। आप न्यूड लिपस्टिक लगाने के शौकीन हो तो इस तरीके के शेड आप ज़रूर ट्राई करो। इसका नाम है डे किस, डे किस नाम की इसकी शेड है, और 07 इसका नंबर है। इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी, वहाँ से जाके आप इन सभी को चेकआउट कर सकते हो। सभी शेड्स के नेम याद रखना मुश्किल है, बट हाँ नेम मैंने मेंशन कर दिए, वहाँ जाके आप देख सकते हो इसे, और लिंक से देख के आपको सब पता चल जाएगा। और लाइन वाइज ही मैं सबके लिंक रखूँगी, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी अपना शेड सेलेक्ट करने में। नेक्स्ट है इसकी बेलोरा कॉस्मेटिक्स की एक और लिपस्टिक, इसका जो रेट है वो है 479, लिटिल कॉस्टली, बट इसका ब्रश जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, और कुछ इस तरीके का इसका शेड अप्लाई, ये थोड़ी सी गाढ़ी टाइप की लिपस्टिक होती है और इस तरीके से ये अप्लाई होती है। लुक एट दिस कलर, ब्राइट रेड रूबी क्रश इसका नेम है, और कुछ इस तरीके की आपको मिलने वाली है। लुक एट दिस, दिस इज सो प्रिटी, एकदम ब्राइट रेड कलर है इसका, रूबी क्रश, यस रूबी क्रश नाम है, और शेड नंबर जो है वो है 10। डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हो, जो इसकी प्राइस है वो इसकी क्वालिटी को वर्थ करती है, देन डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट। एंड दूसरी ये जो है ये शेड नेम है, शेड नंबर है इसका 15, और मावे प्लम्स करके इसका नाम है, और इसकी जो शेड है वो है बिल्कुल डार्क टोन। माय गॉड, दिस इज सो सेक्सी कलर, बहुत सारे लोग डार्क कलर लगाना प्रेफर करते हैं और उनके लिए ये कलर बहुत ही खूबसूरत है। लुक एट दिस, एंड ये जो है लिटिल कॉस्टली और ज़्यादा है, और ये है 599 रुपीज़ की। इसको यदि आप चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इसमें आपको माइग्लैम में भी कलर्स मिल जाएंगे, उसको आप चेकआउट कर सकते हो, वो थोड़ी आपको सस्ती पड़ेगी, बट यदि आपको ये अच्छी लगे तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। तो गाइस ये था आज का मेरा लिपस्टिक कलेक्शन, और इतने सारे लिपस्टिक मैंने आपको दिखाए। आई होप कोई ना कोई लिपस्टिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कौन सा लिपस्टिक आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, एंड हाँ मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। आगे आने वाले वीडियोस में आपको क्लोथिंग हॉल भी मिलने वाले हैं, एंड ज्वेलरी हॉल भी आप में भी आपको मिल सकता है, तो फिंगर क्रॉस्ड वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए, और लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इन्हें बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस किसी अनदर।